सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है मैं कर रही हूँ 8 बजे से, और मौसम जो है बहुत ही सुहावना है और धूप भी नीचे खेतों में आ गई है। दोस्तों, कई लोगों ने मेरे को कमेंट कर रखा था कि आपके पापा की डेथ कैसे हुई थी, तो मम्मी बताइए आपको कैसे हुई थी पापा की डेथ। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गुड़ की चाय पी रही मैं सुबह की, मॉर्निंग की, और अभी लगा टाइम, दूध निकाला, गोबर साफ किया और घर पे काम पे ऐसी बिजी थे। वो सुबह में आफत होती है घर के कामों पे, बहुत ज्यादा काम होता है। और अब बना रही मैं गुड़ की चाय, गुड़ी की चाय पी देंगे आप लोग, बोलते हुए हमेशा चाय पी देंगे, क्या करना, चाय भी पी दूँ मैं, ज्यादा चाय पी दूँ मैं दिन में। तो लगे हैं घर पे काम पे, तो गृहस्थी में तो सुबह से या शाम तक 2-3 बजे खाते हम खाना भी, तो लगे रहते ये गोबर साफ किया, गौशाला गई, अभी भी घास नहीं है, घास के लिए जाना है पहले। तो आप लोग बोलते होंगे कि हमेशा हमेशा घर ही का काम दिखाते, तो इधर उधर हम कम जाते हैं, तो घर ही का ब्लॉग बनाते हम ज्यादा। आप लोग बोल रहे थे और कमेंट कर रहे थे कि इसके पापा की डेथ कैसी हुई, तो ऐसे बीमार थे, घर पर ही मरे हुए पाए हमने, यहाँ कमरे पे मरे हुए थे। तो मैं हम भी फाटे ही रहते थे, हमको कोई पता ही नहीं चला क्या हुआ कैसे हुआ। तो ये दोनों तो छोटे छोटे थे, 2-3 में पढ़ते थे ये, अब दो की क्लास भी नहीं पढ़ी इन्होंने, 1-2 में सीधा 3 में रखी ये भी उधर। तब ये तो ऊपर लगाया मैंने, जब तक पुल नहीं बना ऊपर लगाया था, उसके बाद 9 में इनको नीचे, इसको रोहित को, तो यहीं पढ़ाया मैंने 7 से, यार अभी 11 में है वो। अब बोल रही कितने में पढ़ रहा है तुम्हारा लड़का, तो वो 11 में पढ़ता है, पेपर हो गए उसके, अब प्रैक्टिकल है कल से। और ये थी 3 साल की थी, वो 2 साल का था, उस समय से मैंने बहुत बेकार जिंदगी जी ली अपनी, घर पर ही अपने ही काम पर रही मैं, सुबह बनाती थी खाना इनके लिए, तो तब जाती थी काम पर, लोगों के साथ पत्थर डालने के लिए ऐसे नौकरी करती थी मैं। तो सुबह मैंने इसके पास, जब ये 6 में गई तो दूध 3-4 लीटर इसके पास दूध दिया बैग में, वो फाटा ले गई, तो मैंने घर का काम किया, तो उस समय से मैंने दूध ही पे अपना खर्चा चलाया घर का, और लकड़ी भी बेची, घास भी बेचा, और सब जो जिंदगी में मैंने काम जैसे मर्दों ने किया वैसे काम मैंने किया, घर में घन लगाया, सब्बा लगाए, लोगों के साथ पत्थर निकाले, जितना काम अब गांव में दिखाऊंगी कि कितना काम किया हमने, रास्तों में क्या, वहाँ पंचायती भवन बना उस पर भी रहे हम, मंदिर बना उस पर भी, अब तो इन्होंने तो बाद में इन्होंने भी सारे पत्थर मनरेगा में, तो कभी मेरे को बुखार आ जाता था तो मेरे ऐसे सिर दर्द होता ज़्यादा, तो तभी मैंने ये लगाए काम पे। तो इसमें हमने कुछ मैंने अपनी मेहनत से किया, वो तो भगवान को पता है सारा, कि वो ही सपोर्ट कर रहा है कि आप लोग आ, तो आप लोगों का सपोर्ट है, कल आज तक ऊपरी वाला ने सपोर्ट किया, तो सब कुछ मैंने किसी से 1 रुपया तक नहीं मांगा, मैंने अपने खुद अपनी मेहनत से कमाया, अपने बच्चों को पाला और ऐसे घर चलाया। और लोग बोलते होंगे कि सुख के दिन अच्छे होते, पर सुख के दिन नहीं आते, या ज़्यादा दुख के दिन याद आते, अभी तक बहुत याद आते हैं, क्या बोले आप लोगों के पास ही। वो तो जिस दिन चिता पर आग लगेगी उस दिन बूझेगी वो सारी जितने दुख झेले हैं, और जिस दिन घाट पर जाएगा इंसान उस दिन भूलेंगे, तब तक तो नहीं भूले जाते दुख के दिन, और बहुत झेला है जिंदगी में। अब तो बड़े हो गए, थोड़ा बच्चे ऊपर वाले ने बड़े कर दिए, हम तो क्या है करने वाले, हम तो उसकी चरणों की धूल है। और कुछ नहीं था, एक कमरा था हमारा, उसी पर मैंने मेहमान भी सुलाए, अपने गैस सिलेंडर दे रखा था मेरा पापा का, तो मैंने वहीं पर उनके लिए खाना बनाया। कुछ नहीं घर में, तो इनके पापा का एक कमरा भी नहीं, वो भी इंदिरा आवास में बनाए, वो भी भाई ने बंटवारा कर दिया था, तो
तो ऐसे जिंदगी जे रही था। मैंने अपने आप कंक्रीट कूटे, अपने आप ब्लॉग बनाए, दूध के पैसों में बिल चलाए, वो परात जैसे वो लोखर की परात होती वो लाए। तब हमने बड़ी मुश्किल से दो कमरे बनाए यहाँ पर, वो भी अभी तक कुछ नहीं, पर वो पानी सीधा अंदर ही आता हमारे, सीधा अंदर कमरों पे जाता पानी, जब बारिश लगती उल्टी कमरों पे आती वो पानी। क्या करे, ऐसी जिंदगी अभी तक भी, पर धीरे धीरे पर भगवान थोड़ा थोड़ा करके चलो रहने के लिए कर दिया हमने थोड़ा सा। और एक कमरा अब नीचे कभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ये कमरा आ रखा था हमारे पास, वो मिट्टी लगा रखी है मेरी वहाँ पर, वो भी कभी मेहमान आते हैं तो यहाँ भी दो कमरे हैं तो व्यवस्था है, इतनी नहीं है तो कभी वहाँ भी रहते हैं। और ऐसी जिंदगी जेली, कमरे भी नहीं मिले और तब कमरे बनाए, बड़ी मुश्किल से रहने के लिए किया, और ऐसे जंगल में है तभी भी कमरे नहीं है। दोस्तों सुख के दिन नहीं है, नहीं आते याद, पर दुख के दिन तो मैं सुबह शाम भी उठती हूँ, मेरे को दुख के दिन याद आते हैं, अभी भी आते हैं कभी कि मैंने कब तक जीना है इन दुखों को, कब तक क्या करना है, कब मिलेंगे मेरे को सुख के दिन। आप लोग बोलना कमेंट करके कि कब मिलेंगे मेरे को सुख के दिन, कि कब तक जीना है मैंने ये दुख के दिन। तो मैंने कैसे करके ये पढ़ाए लिखाए, कैसे करके वो किया, अभी तक भी जेल है मैंने ये वो, मैंने ये भी कॉलेज लगाई, एक बार सोच गई थी मैं कि खर्चा नहीं है कैसे पढ़ाऊँ, 150 रुपया यहाँ से किराया है, इसको तो खाने के लिए भी रास्ते में खाते हैं बच्चे, तब कैसे करके जेल रही मैं अभी तक भी। और दूध लगा रखा मेरा अभी तक भी लगा रखा दूध, गुप्तकाशी डेयरी में, डेयरी में लगा रखा है, और अभी तक मैं दूधी में करती हूँ अपना घर चलाती हूँ, दूधी में बच्चों को पढ़ाती हूँ, दूधी का खर्चा, दूध के पैसे आ जाते तो उसमें भी दूध का रेट कम ही है, पर वो ज़्यादा बहुत है इतना भी, तो उसी में इनके लिए मैं किराया भी देती कॉलेज जाने के लिए, रोहित भी उसी में, लड़का भी पढ़ा उसकी फीस, जूते या कपड़े कुपड़े, कॉपी किताब सब कुछ, कॉपी किताब तो दूधी में लाती मैं। तो आप लोग बोलते होंगे कि ये कुछ नहीं है हम ऐसे में झेल रही अपनी ज़िंदगी, और आगे क्या होता भगवान जाने, सब कुछ यही है जिंदगी कहानी। हमारे पहाड़ों में तो दूध का रेट ही कम है, बाजार जाता है 40 रुपए किलो, और यहाँ जाता है 30 रुपए किलो जाता हमारा डेयरी में, और डेयरी में जाता है जहाँ हमने लगा रखे हैं वहाँ 30 रुपए लीटर जाता हमारा दूध, तो ज्यादा होता तो मिल जाता पैसा 7-8 हजार, और नहीं तो 3-4 हजार 5 हजार ऐसे में मिल जाते हैं महीने के, मिल जाते हैं, पर बहुत दूर है हमारे यहाँ से, 2 किलोमीटर ऊपर जाना चढ़ना पड़ता है, 2 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ता है, सुबह सुबह हमें करनी पड़ती है, अप डाउन करना पड़ता है। के पापा के जाने बाद ये 3 साल की थी, रोहित 2 साल का था, अपना प्यार सपोर्ट ऐसी बनाए रखना। दोस्तों अभी भी मम्मी ना पुरानी मतलब लाइफ नहीं भूल पाई है, कैसे करके मम्मी ने हमको पढ़ाया, अभी मम्मी नहीं भूल पाई है, बोलते हैं ना सुख के दिन याद नहीं रहते हैं, जितने जितने दुख के दिन याद रहते हैं।